क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं तो यही कहूँगा कि सर की सोच और बहुत ही अच्छी सोच है, और जो स्क्रिप्ट वो लेके आए हैं, जो डायलॉग जो स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने जो की, और इवन गाने उन्होंने लिखे सर, बिकॉज ऑफ ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बहुत ही बंदी, और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है जो समाज में बहुत ही अच्छे ढंग से परोसा गया। बाकी तो दर्शक मिलने पर और दर्शक भी बता सकते हैं। मैं तो बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं सर के साथ पहले भी एक फिल्म कर चुका हूँ, पापा तुम का, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। और ये फिल्म भी मतलब जब इस फिल्म की कहानी मुझे बताई गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जिसे कहते हैं कि ये एक डिफरेंट शेड है, तीन लड़कों की कहानी जो अपने 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 पास और तीनों सहेलियाँ हैं कॉलेज में साथ पढ़ती हैं, लेकिन गलत डिसीजन की वजह से उनकी लाइफ कैसे हुई, उसमें से एक लड़की दो लड़कियाँ कैसे अपनी लाइफ स्पॉइल, एक शिक्षा की समाज में एक जो आज हम लड़कियाँ अपने गलत डिसीजन लड़के लड़कियाँ जो भी उनको एक सही दिशा एक नहीं रहा, ये एक मैसेज हमारी तरफ से। जी मेरा नाम मनोज भट्ट है और इसमें मैं राहुल प्ले कर रहा हूँ, एक इनोसेंट सा लड़का है फैमिली का जो इनके भाई का किरदार में कर रहा हूँ। और मैं युवराज सर को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि फिल्म आज रिलीज़ हो रही है और मुझे बहुत खुशी है इस बात से। और मेरा कैरेक्टर बहुत इनोसेंट है, आप देखिएगा, कोशिश की है मैंने अच्छे से निभाने की। और बाकी मेरी एक लाइन इसमें है कि मैं कहता हूँ कि महापुरुष ऐसे ही नहीं बनते, महापुरुष बनने के लिए काम भी उनकी तरह करने पड़ते, तो कुछ इस तरह का तो संदेश मेरा कैरेक्टर देता है। एक इनोसेंट सा लड़का किस तरह अपनी फैमिली के प्रति जिम्मेदार रहता है और अपने माँ बाप का कहना मानता है, वही दिखाया गया है। एंड थैंक यू सो मच, मैं हूँ मनोज भट्ट। जैसे कि आदि युवा है और ये प्यार मोहब्बत के साइड इफेक्ट है इसमें दिखाया गया है, तो आप क्या माँ बाप पर जाएंगे आपके प्यार मोहब्बत? नहीं, एक्चुअली रियल में कहूँ तो हो सकता है कि आप मैं पढ़ा भी हूँ, लेकिन मैं सच्चा प्यार करता हूँ, एक लड़की से प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूँगा, और वो मेरे माँ बाप के ख़िलाफ़ नहीं है, उन्हें मालूम है। और जहाँ तक रही किरदार की बात, तो किरदार में अभी मैं बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ, इसलिए अभी प्यार नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आपके सुरेश जी जी इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए और लास्ट में शादी कर एकदम चाल में लेके जाते हैं, झोपड़पट्टी में लेके जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो, क्या इसमें कहना चाहेंगे? तो इस बारे में तो अगर आप मुझसे फिल्म के बारे में पूछेंगे तो मैं थोड़ा सा गुस्से में आ जाऊंगा, बिकॉज़ मैं कैरेक्टर में आ जाऊंगा।